हरियाणा के बल्लभगढ़ हत्याकांड मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। विज ने मामले में एसआईटी गठित कर मामले की 2018 से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें विज ने एसआईटी को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने की बात कही है। विज के निर्देश पर एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। आज बुधवार को विशेष जांच दल की टीम पीड़िता के घर पर पहुंची और परिजनों ने जानकारी जुटाई। हालांकि दिन दहाड़े बल्लभगढ़ में युवती की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज इस मामले में दोषियों के साथ साथ बेटी के परिवार को दबाने वालों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। विज ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो हरियाणा में ये गुंडाराज नहीं चलने देंगे और नए बेटियों को सिसकने देंगे। ऐसे में आरोपियों के रिश्तेदार एवं इलाके के कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ना तय माना जा रहा है। इसमें कांग्रेस का ही दबाव है, कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि वो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी की दबंगे ही नहीं चलने दूंगा, मैं सिसक सिसक कर लड़कियों को मरने नहीं दूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।